मैं जा रहा हूँ गंगा सागर कलकत्ता से, पानी के जहाज़ में जाना पड़ता है, और ये जो बोट पे बैठ रहा हूँ मैं, ये सरकारी बोट होती है, इसका किराया बहुत कम होता है, 10 रुपये 12 रुपये 20 रुपये के अंदर अंदर। कलकत्ता बहुत सस्ता शहर है, हिंदुस्तान का सबसे सस्ते शहरों में कलकत्ता शहर का नाम आता है। और ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, ये सब बोटिंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ तो समुंदर है और हावड़ा और कलकत्ता समुंदर के बीच में बसा हुआ, अलग अलग है। तो अभी मैं गंगा सागर जा रहा हूँ, गंगा सागर बोट में जाना पड़ेगा मेरे को। कलकत्ता से निकला हूँ मैं, मेरे को कम से कम मेरे हिसाब से 30-40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पानी में सफ़र तय करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। नितिन पंजाबी ट्रेवल एंड फूड ब्लॉगर के नाम से यूट्यूब सर्च मार लें, सब्सक्राइब बन जाए मेरे। पूरे हिंदुस्तान में कौन सी जगह कहाँ है, कितने में और कितने रुपए लगते हैं, ये सब आपको घर बैठे जानकारी हो जाएगी। ये बड़े बड़े जहाज हैं, ये सब सरकारी जहाज हैं, इनका किराया बहुत कम है। अब यहाँ से शिप चला है, अब ये शिप में क्या है, टॉयलेट वॉयलेट की सब व्यवस्था होती है, बाथरूम वाथरूम जाने की सब व्यवस्था होती है। ये आधा एक घंटा लेगा और एक डैम से दूसरे डैम पे छोड़ेगा हमारे को, फिर वहाँ से फिर शिप पकड़ना होगा। पूरा मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे जाना होगा, मतलब कि कलकत्ता से बड़े बाज़ार से पहले हम जाएंगे सियालदह स्टेशन, सियालदह स्टेशन से हमारे को लोकल ट्रेन मिलेगी काकदीप की, काकदीप से इस शिप में बैठना होगा, ये शिप पकड़ेंगे, फिर इस शिप से गंगा सागर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमें ऑटो पकड़ना पड़ेगा, फिर वो मेन गंगा सागर कपिल सरोवर मुनि के वहाँ तक छोड़ेगा हमारे को, ये एड्रेस है। और इसमें टोटल हमारा किराया, मेरा किराया लगा था 2020 में 75 रुपये मात्र सारों का, यहाँ से मतलब बड़े बाज़ार से है ना सियालदह स्टेशन तक, सियालदह से काकदीप रेलवे स्टेशन तक, काकदीप से इस शिप पे टोटल खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। ये सरकारी बोट है इसलिए सस्ता पड़ता है, बहुत ही शानदार है गंगा सागर, आप ज़रूर जाएं एक बार लाइफ के अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। ये जो पक्षी है ना, इसको ये क्या खाना खिलाते रहते हैं, आटे की गोलियाँ पे शिप में बेचने वाले होते हैं, ये खिलाते रहते हैं, ये खाते रहते हैं, ये कई किलोमीटर तक हमारे साथ चलते हैं पक्षी खाने के चक्कर में। ये जो नदी है ये गंगा नदी है जिस पे ये जहाज चल रहा है। ये दे रहा है मेरे को गोलियां, देखो आप, ये कह रहा है ये बेचो, ये बेचता है 10 रुपये पैकेट है, ये क्या है, आप इनको खिलाओ पक्षियों को। और बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पानी के जहाज हैं, ये सब सरकारी जहाज हैं। अब ये गंगा सागर हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ से गंगा सागर से हमारे को ऑटो मिलेगा, जो चिल्लाता रहेगा बाहर गंगा सागर गंगा सागर गंगा सागर है ना, वो हमारे को क्या है कि यहाँ से बिठाएगा, 10-15 रुपये का किराया लेता है, ऑटो चलते हैं, वो हमारे को गंगा सागर तक छोड़ेगा। और इस शिप में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये शिप के अंदर 200-250 आदमी एक बारी में चढ़ता है, और छोटे छोटे शिप चलते हैं, ये सब गवर्नमेंट के रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और अब ये क्या है कि हमारे को इस टापू पे छोड़ेगा गंगा सागर, लास्ट कोना आ गया है, हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पानी में शिप के पानी के जहाज में सफ़र कर लिया है, हमने बोले तो मैंने। ऐसे बहुत सारे जहाज हैं वहाँ पे, अब ये धीरे 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 पास पहुँचेगा, और उसके बाद में यहाँ से हम पैदल जाएंगे बाहर रोड तक जाएंगे, रोड पे हमारे को क्या है कि रिक्शे वाले मिल जाएंगे, फिर हमारे को वो रिक्शे में बैठेंगे, हम मैं बैठूंगा, फिर उसके बाद में वो मेरे को वहाँ तक ले जाएगा गंगा सागर। ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि आधा पानी है आधी जगह पे ज़मीन है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे क्या है जहाज चलते हैं, ऑटो टैक्सी ये नहीं चलते।
ये लगा दिया इसने, अब ये डोरियों से बांध दिए जाएंगे जहाज, अब यहां से लोग उतर के ऑटो पकड़ेंगे। कलकत्ता बहुत सस्ता शहर है, वेस्ट बंगाल बहुत सस्ता शहर है, आप जरूर जाएं, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता घूमने का, एक आदमी का 5,000 रुपये से ऊपर नहीं लगेगा अपने शहर से घूमने जाएगा तो, आना जाना खाना पीना रहना सब 10,000 मान लो लास्ट, इससे ऊपर नहीं लगता, बहुत सस्ता शहर है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा, और आते हुए भी यहीं से यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी मेरे को, आते हुए भी यहीं से ही वापस आना पड़ेगा, यहाँ आऊँगा पहले, फिर यहाँ से मेरे को शिप पकड़ना पड़ेगा 2-3 जगह, वो अपने आप बता देते हैं, लोग अपने आप बोलते रहते हैं, पता लग जाता है, अनजान आदमी भी जा सकता है। राधे राधे दोस्तों, मैं आया हूँ गंगा सागर, मैंने कहा आपको भी दर्शन करा दूँ सबको, आप दर्शन कर लो, गंगा सागर का हिंदुओं में बहुत महत्व है, सब दर्शन कर लो। और मैं 2010 में आया था और आज 2020 में आया हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया मतलब 10 साल के अंदर। ये गंगा सागर है, ये देख लो आखिरी किनारा है, ये आगे पानी पानी है। और हिंदुस्तान में दो ही जगह है कपिल मुनि का, एक तो बीकानेर के अंदर है कोलायत में, श्री कोलायत, और सबसे पहला है ये गंगा सागर। दर्शन कर लो आप, इसके बाद मैं फ़ोन रखूँगा, मैं भी नहाने जाऊँगा, स्नान करूँगा। ये है पूरी लोकेशन, मैं का वीडियो बना देता हूँ और चढ़ा दूँगा, सब भाइयों के दर्शन हो जाएंगे। और मैं ये भी बताऊँगा मैं कैसे आया था यहाँ पे, कितने रुपए चार्ज लगा मेरा, मेरा अभी फ़िलहाल अभी तक तो 75 रुपये खर्चा हुआ है यहाँ आने का कलकत्ता से। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, मेरे कई दोस्तों ने बोला था भाई हमें भी जाना होता है, हमारी मम्मी और को भी जाना होता है, तो बताऊंगा कितने रुपए चार्ज लगता है पर हेड बंदे का। ठीक है जी, ये आप दर्शन करो आराम से, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर मैं रखूंगा फ़ोन। ये मिट्टी पे बनाई है भाई ने कलाकारी की, ये जलपरी बड़ी शानदार बनाई, इस पे ये कलर भी करेगा, और बहुत शानदार बनाई थी उस समय, मैं वहीं पे ही था, तो मैंने कहा कि इसका वीडियो जरूर बनाना चाहिए, बहुत अच्छा कारीगर है, बहुत ही शानदार कारीगर है। इसको 2 घंटे लगे थे बनाने में। अब हो गया है अगरबत्ती का टाइम, आरती का, संध्या का टाइम हो गया है, अब यहाँ से आप चल रहे हैं आरती की, आरती करने, यहाँ पे आरती होगी, वो आरती देखने चल रहे हैं। अब ये जो मंदिर है ना, मंदिर के बिल्कुल पास में ये गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें बीचों बीच सरस्वती माता की मूर्ति है। पार्क कितना शानदार है, देखिए आप, मज़ा आ गया। रात को मैं यहीं रुका था, और मेरे रुकने के जिस जगह मैं रुका था ना, वो मंदिर के पास में धर्मशाला है, उसमें मेरा कोई चार्ज नहीं लगा था, कोई पैसे नहीं लिए थे मुझसे, एकदम फ्री था वो। ये अगले दिन सुबह मॉर्निंग के टाइम की बात है, सुबह के टाइम की, ये इतनी भीड़ है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे। सुबह मैं नहाया था, दोबारा आया था, मैंने कहा आया हुआ हूँ तो एक दिन रुक ही गया हूँ तो एक बार और नहा लें। और यहाँ पे महिलाओं के लिए बना रखे हैं कपड़े चेंज करने के लिए, ये लोहे के पड़े हैं ना, ये जगह पे चेंज कर सकते हैं, और पंडित यहाँ पे बैठे रहते हैं, जो आरती कराना चाहे कोई आरती करा सकता है। गंगा आरती है, कपिल सरोवर की आरती है। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और जल्दी इसका व्लॉग नया लाऊंगा। ये तो मेरे को उस समय वीडियो का इतना नहीं था, तो मैं ये शॉर्ट वीडियो थे मेरे पास पड़े थे हार्ड डिस्क में, तो मैंने कहा क्यों ना ये चढ़ा दिया जाए। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत शानदार मंदिर है। ये सामने तो गंगा सागर है, और ये मार्केट है, यहाँ से ऑटो ऑटो पकड़ सकते हैं हम, और ये घाट है बना हुआ, बैठ सकते हैं यहाँ पे नीचे, विश्राम घाट है। और ये सामने मंदिर है जो कल आरती की थी, और इसके लेफ्ट साइड में धर्मशाला थी जहाँ पे मैं रात को नाइट स्टे किया था, ये रहा सामने वाइट कलर की दिख रही है जो। यहाँ पे रहना एकदम फ्री है, परिवार के साथ जाओ तब।
यहाँ से वापस मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, वही प्रोसेसिंग है और उतने ही रुपए लगेंगे जितने आने में लगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अब अगली बार इससे अच्छे व्लॉग आएंगे, क्योंकि इस समय मेरे को नॉलेज नहीं था। पहले मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाता था, एक शौक के रूप से बनाता था। ओके, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।